मैंने खून किया था। मैं चोर हूँ साहब। मैंने
तो कह रहे थे जब तुम यहाँ आए थे तभी अंधेरा था, या तो लाइटें जल रही। पता नहीं साहब, जब मैं आया तो लाइट बंद थी। चलो कब। यस एसीपी विजय क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर अजय, कहिए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। देखिए, ये एक चोर है, हमने इसे आपके घर से भागते हुए पकड़ा है। इसका कहना है कि ये आपके घर में चोरी करने आया है। क्या? देखिए साहब, मेरा नाम बिपिन दीवान है। हाँ मिस्टर दीवान, मिस्टर दीवान आप पहले पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। दरअसल हमने इस आदमी को आपके बंगले से बाहर भागते हुए देखा। जब हमने इससे पूछताछ की तो पूछताछ करते वक्त हमने इसके कपड़ों और उसके हाथों पर खून देखा। तब इसने हमें बताया कि इसने आपके इसी बंगले के किसी कमरे में एक लाश देखी। What nonsense! आप लोग होश में तो हैं? मेरे घर में कत्ल हुआ और इसके बारे में मुझे नहीं पता। देखिए एसीपी साहब, आप शायद जानते नहीं कि मैं कौन। लगता है मुझे आपके कमिश्नर से बात करनी पड़ेगी। देखिए मिस्टर दीवान, आप चाहे कोई भी हो या आपको जिससे मर्जी उससे बात कीजिए, बस हमें वो कमरा देखना है जहां वो लाश थी। That's it. अरे ये कैसी जबरदस्ती है, रात के 2 बजे आप एक शरीफ आदमी को तंग कर रहे हैं। देखिए एसीपी साहब, इस घर में 2 लोग रहते हैं, मैं और मेरी पत्नी जो इस वक्त बेलापुर में है, और मैं उसे मिलने कल सुबह बेलापुर जा रहा हूँ। Is that clear? Now please don't disturb me. देखिए मिस्टर बिपिन, एक बार हमें घर का मुआयना करने दीजिए। ये कत्ल का मामला है, कानून से खिलवाड़ आपको महंगा पड़े। ठीक है, ले लीजिए तलाशी। थैंक यू सो मच। कहां देखी थी लाश? ऊपर है ना साहब, चलो दिखाता हूं। अजय ठीक है सर। यही कमरा है साहब। यही वो कमरा था? हाँ साहब यही कमरा। हॉल अप, लाइट जलाओ। कहाँ है लाश? यही थी साहब, मैं जब आया तो उसी लाश से टकरा के देखी, मेरे हाथ में खून लग गया था। चुप 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 होगा साला, ले चलो से। अरे मेरा बात तो सुनो साहब, देखो। अरे मैं सच बोल रहा हूँ साहब, जब मैं आया था तो लाश इधर ही था। मेरा यकीन मानो साहब, देखो मैं सच बोल रहा, लाश इधर ही था साहब। मेरा बात तो सुनो। सर ऊपर तो लाश वाश कुछ भी नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि ये चोर साला झूठ बोल रहा था। सुन लिया एसीपी साहब, आपने तो एक चोर की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन मेरी बात का यकीन नहीं आया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी बात का यकीन मानो साहब, आप लोग मेरा बात क्यों नहीं मानता? I'm really very sorry. Sorry. It's okay, एसीपी साहब।
क्या चाहते क्या आप? कहीं आपका इरादा मेरी गाड़ी के नीचे आकर मरने का तो नहीं है? अरे नहीं 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 दीवान साहब, ऐसी कोई बात नहीं। बात दरअसल ये है कि यही पास में मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। जैक मेरे पास है नहीं, तो मैंने सोचा आप यही पास में रहते हैं, क्यों ना आपकी गाड़ी से जैक ले लिया जाए। तो आपको जैक चाहिए? जी हाँ। जाइए मेरी गाड़ी की डिक्की से ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दीवान साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी गुस्से में आ गए हैं। वैसे भी आपको देर हो रही है, आप जाइए, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। थैंक यू। स्टूपिड। एसपी विजय। एसपी साहब, मैं बेलापुर से इंस्पेक्टर दलवी बोल रहा हूं। कौन इंस्पेक्टर दलवी, क्या बात? सर, हमें यहाँ बेलापुर रोड पर एक नौजवान की लाश मिली है। मुझे लगता है ये लाश कहीं बाहर से लाकर यहाँ फेंकी गई है। हुलिया के हिसाब से ये लाश बिल्कुल वैसी ही लगती है जिस तरह का हुलिया आपने यहाँ के पुलिस स्टेशनों को भेजा है। इंस्पेक्टर दलवी, जितनी जल्दी हो सके मुझे ब्लड रिपोर्ट चाहिए। जैसे ही उसके ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट आती है मैं आपको भिजवा देता हूँ। बैड मॉर्निंग सर, मेरा मतलब है गुड मॉर्निंग सर। क्या होना क्या था सर, सारी रात पागलों की तरह बंगले का चक्कर लगा रहा था मैं। बंगले वाला तो परेशान हुआ सो अलग, और लाश का भी कुछ पता ही नहीं चला। अरे अभी अभी बेलापुर रोड पर एक लाश मिली, लेकिन इस बात का नहीं पता चल सका कि ये लाश वही है जिसकी हमें तलाश है या कोई और लाश। देखिए सर, अगर बात वही निकली तो सवाल ये पैदा होता है कि लाश बेलापुर तक कैसे पहुंच गई। देखिए सर, या तो वो रघु चोर झूठ बोल रहा है या फिर विपिन दीवान। और हाँ सर, विपिन दीवान से तो मैं अभी भी मिलकर आ रहा हूँ, वो तो अपनी बीवी से मिलने के लिए बेलापुर जा रहा है। फिर भी हमें रघु की बात की सच्चाई का एक बार पता लगा लेना। कम बिजली लाश का? अरे सर, लाश अंदर है। तो ये लाश है। ए, इधर पहचानो इसे, क्या ये वही लाश है? यही है साहब, यही है, यही वो लाश है जिसे कल रात मैंने उस बंगले में देखा था। लेकिन लेकिन इसके अंदर एक कमी है। क्या कमी? साहब, टाई में एक हीरा जड़ा हुआ टाईपिन था, वो नहीं है। अजय, जरा पता करो, पिछले 24 घंटों में इस लाश के हुलिये से मिलते जुलते कितने लोगों के गायब होने की खबर लिखवाई गई? सर, इस लाश की शिनाख्त तो नहीं हो पाई, पर जिसकी भी ये लाश है उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। सर, रघु के कपड़ों और हाथ पर जो ब्लड था उसका ग्रुप भी ओ नेगेटिव ही था। सर, मुझे ऐसा लग रहा कि मैं कातिल तक बहुत जल्दी पहुंचाऊंगा, क्योंकि सर ये पहला केस है जिसमें लाश से पहले हमें उसके ब्लड ग्रुप का पता चल गया। सर, आई टेल यू वन थिंग, कातिल मेरी गिरफ्त में बहुत जल्दी आने वाला है। सुनीता, मेरी समझ में यह नहीं आता कि आखिर वो चोर पुलिस को लेकर हमारे बंगले तक पहुंच कैसे गया। अब जाने भी दोजे इस बात को, पता नहीं क्यों इस बात के बारे में सोचती मेरे मन में घबराहट सी हो रही है। अगर वो कत्ल सचमुच हमारे बंगले में हुआ होता तो। लेकिन सुनीता, जिस भरोसे के साथ वो चोर कह रहा था, लग तो यही रहा था कि वो कत्ल वाकई हमारे बंगले में हुआ, जबकि तुम यहां कल शाम से आ गई हो और मैं पार्टी से घर रात को लेट तो पहुंचा। अगर वो कत्ल वहां हुआ होता तो इतनी जल्दी वहां से सारा खून साफ कर देना और
और लाश को गायब कर देना, ये कैसे मुमकिन है? अब जाने भी दीजिए इस बात, प्लीज कोई और बात करते हैं। और वैसे भी आप शायद बोल रहे हैं कि हम यहाँ वीकेंड पे आए हैं, लेट्स एंजॉय प्लीज। अजय ये लो, ये है उन सभी लोगों की लिस्ट विद पुरगाव जिनके पिछले 24 घंटों में अलग अलग थानों में मिसिंग होने की रिपोर्ट ली। इंस्पेक्टर शायद आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, आपकी इस खामोशी से मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। वैसे पिछले कुछ दिनों से मेरे बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो काफी परेशान था इन दिनों। क्या मैं उसकी परेशानी की वजह जान सकता हूं? इंस्पेक्टर मेरा बेटा एक ऐसी लड़की से प्यार करता था जिसका बाप एक शातिर चालाक और उल्टे सीधे धंधे करने वाला इंसान था, इसलिए हमने अपने बेटे की शादी उसकी लड़की के साथ नहीं होने दी। मेरा बेटा मेरी बात समझ नहीं पाया, वो अपने आप में धीरे धीरे घुटने लगा और उसकी ये घुटन उस दिन जानलेवा बन गई जब उस लड़के की शादी शहर के मशहूर क्रिमिनल लायर बिपिन दीवान के साथ हो गई और सुनीता शाह सुनीता दीवान बनी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरा बेटा सुनीता के प्यार को भुला नहीं पाया। मैं सुनीता की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इंस्पेक्टर, ये है सुनीता मेरे बेटे के साथ। क्या ये फोटोग्राफ्स मैं रख सकता हूँ? जी। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये आपके बेटे ने जो टाइपिंग पहनी हुई है इसमें क्या हीरा जोड़ा हुआ? हाँ इंस्पेक्टर, ये डायमंड वाला टाइपिंग मैंने उसे उसकी बर्थडे पर प्रेजेंट किया था, ये बहुत ही कीमती है, तकरीबन 2 लाख रुपए का है। बस मैं अब आप लोगों से और कोई सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को सुनाने के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। उस खबर को भी मैं छुपा नहीं सकता, दरअसल आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका खून नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। Anybody in? तुम फिर आ गए? What's your problem यार? एक तो कल रात को तुम मेरे बंगले पर आए और मुझसे कहने लगे कि वहां किसी का खून हुआ है, और तुम अब यहां आ गए, क्या यहां भी किसी का खून हुआ है? दीवान साहब बात दरअसल यह है कि जिस लाश की तलाश में हम आपके घर तक आ गए थे वो लाश हमें यहां इसी इलाके में मिल गई, और बाय द वे उस लाश को आपके घर से ही लाकर यहां फेंक दिया। क्या? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन उस लाश को उस रघु चोर ने आइडेंटिफाई कर दिया। लेकिन ये आप मुझे क्यों बता रहे? बाय द वे आपको मेरे बेलापुर के फार्म हाउस का पता किसने दिया? हाँ दीवान साहब, आप एक क्रिमिनल लॉयर और मैं एक पुलिस ऑफिसर, हम दोनों का चोरी दमन का साथ तो चलता ही रहता है ना? विपिन, विपिन आप अभी तक तैयार नहीं हुए, वहाँ अमिता हमारा इंतजार कर रही होगी। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी आई एम इंस्पेक्टर अजय। इनकी वजह से भूल गया, मैं अभी जाके तैयार होता हूँ। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर। एक्सक्यूज मी मिस्टर दीवान, आप किसी उमेश सूरी को जानते हैं? उमेश सूरी? कौन उमेश सूरी? ये उमेश सूरी, इसका कत्ल आपके बंगले में किया गया था और इसकी लाश को यहां इसी इलाके में कहीं फेंक दिया गया। नहीं, मैं इसे नहीं जानती। लेकिन ये तो कह रहा था कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से जानता। ये सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत है। अच्छा तो क्या ये तस्वीर भी झूठी है? मिसेस दीवान, उमेश सूरी आपसे प्यार करता था लेकिन आपकी शादी मिस्टर दीवान के साथ कर दी गई। कल रात उमेश सूरी आपसे मिलने आपके बंगले में आया था जहां मिस्टर दीवान ने गुस्से में आकर उसका कत्ल कर दिया। नहीं, ये सरासर झूठ है। दीवान साहब किसी का खून नहीं कर सकते।
अंकल। आप कौन? जी मैं सुनीता की फ्रेंड कोमल हूँ। सुनीता की फ्रेंड कोमल? जी हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। क्या है, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। एक्चुअली आप मुझे कैसे देख सकते हैं, आप तो अपने बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं कि आपको सुनीता की फ्रेंड को देखने का मौका कहाँ मिलता होगा। ये बात तो ठीक है। अच्छा आइए, अंदर तो आइए ना। प्लीज कम। बैठो। कहिए कैसे आना हुआ? सुनीता तो बेलापुर गई हुई है। जी मैं बेलापुर से ही आ रही हूँ। अच्छा। और जीजा दीवान भी हुई है। हाँ हाँ, विपिन भी वहाँ गया हुआ है। जी। तो आप यहाँ कैसे? जी मैं आपसे एक बहुत खास चीज लेने आई हूँ। वो क्या चीज है? सुनीता मुझे बता रही थी कि आपके पास एक हीरा है जो आप 2 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं। 2 लाख में? जी, और मैं पैसे भी लेके आई। वैसे मेरे डैडी भी ज्वेलर थे और अब ये धंधा मैं करती हूँ। अच्छा, आपने तो मुझे उलझन में डाल दिया है बेटी। लेकिन सुनीता तो कह रही थी कि आप वो हीरा बेचना चाहते हैं। हाँ हाँ, आप बैठो जरा, मैं अभी आता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लो। नो थैंक यू सर। सर मुझे ये केस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगा है। लगता है तुम किसी फैसले पर पहुंच गए। जी हाँ सर। सर उस रघु चोर ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। उस बंगले में कत्ल तो जरूर हुआ था। लेकिन अजय, लाश तो वहां नहीं मिली, लाश तो कहीं और मिली। जी हाँ सर। सर मैंने उस बंगले को बड़ी ध्यान से देखा। उस बंगले की साफ सफाई की गई थी। सर बंगला चाहे जितना भी बंद क्यों ना हो लेकिन वहां पर थोड़ी बहुत डस्ट या थोड़ी सी गंदगी जरूर जम जाती। लेकिन जब मैंने उस कमरे को ध्यान से देखा तो मुझे देखकर ऐसा लगा कि उस कमरे की साफ सफाई बड़ी बराबरी के साथ की। लगता है कातिल तुम्हारी नजर में है। एग्जैक्टली सर। एक बात और, मुझे यह स्पंज विपिन दीवान की गाड़ी की डिक्की से मिला। इस पर जो खून के धब्बों के निशान है ये भी ओ नेगेटिव है। सर मुझे कातिल पर आखिरी वार करने के लिए आपके साथ की जरूरत है। सुनीता, सुनीता। पापा, पापा आप कहो बेटी, कैसे रहा तुम्हारा फार्म हाउस का ट्रिप? मैं ना कहता था बेलापुर चली जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा पापा? इंस्पेक्टर अजय मेरे और उमेश के बारे में सब जानता है। ये तो शुक्र मनाओ कि उसकी लाश बेलापुर रोड पर मिली। बेटी अब तू घबरा नहीं, वो तो बात अब खत्म हो गई है। हाँ मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारी फ्रेंड कोमल आई थी और मुझे 2 लाख रुपया दे गई है। कोमल? 2 लाख रुपए? ये सब क्या है पापा? भाई तुम्हारी फ्रेंड कोमल, तुम्हें तो बेलापुर से भेजा था उसे। पापा मेरी कोई फ्रेंड कोमल नाम की नहीं है और मैंने किसी को नहीं भेजा था। अरे पापा आप क्या होता? सुनीता किसकी बातें हो रही थी? विपिन बेटा किसी की बात नहीं हो रही। इस बात का जवाब हमारे पास है। आप सब लोग फिर यहां? क्या फिर इस बंगले में कोई खून हुआ है? देखिए मिस्टर दीवान, खून तो हो चुका है, इस बार हम कातिल को लेने आए। दिस इज टू मच। एसीपी साहब, आपका ये इंस्पेक्टर मेरा पीछा करता हुआ मेरे बेलापुर फार्म हाउस तक पहुंच गया था। इसने मुझे और मेरी बीवी को परेशान किया। बताइए बताइए आखिर आप चाहते क्या है? देखिए मिस्टर दीवान, उस रात जिस शख्स का खून आपके बंगले में हुआ था
उस शख्स का नाम उमेश सूरी था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि इस बंगले में कोई खून नहीं हुआ। देखिए मिस्टर दीवान, उस रात यहां पर खून हुआ और मौके वारदात पर यह खून स्पंज के साथ पहुंचा गया और यह स्पंज हमें आपकी गाड़ी से बरामद हुआ। क्या? ड्रामा मत कीजिए मिस्टर दीवान, प्लीज ड्रामा मत कीजिए। आपको शायद याद होगा, उस दिन सुबह जब मैं आपके घर आया था, आपसे गाड़ी का चेक मांगने, तब क्या चाहते क्या हैं आप? कहीं आपका इरादा मेरी गाड़ी के नीचे आकर मरने का तो नहीं है? अरे नहीं 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 दीवान साहब, ऐसी कोई बात नहीं। बात दरअसल ये है कि यही पास में मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। जैक मेरे पास है नहीं, तो मैंने सोचा आप यही पास में रहते हैं, क्यों ना आपकी गाड़ी से जैक ले लिया जाए। तो आपको जैक चाहिए? जी हाँ। जाइए मेरी गाड़ी की डिक्की से ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर उसी खून के धब्बे के निशान है जिसका कि कत्ल आपके घर में हुआ था, यानी कि उमेश सूरी। एजीबी साहब, लेकिन मैं तो पार्टी से उस रात रात को 2 बजे घर पहुंचा और मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है कि रात के 1:30 बजे तक मेरे साथ उस पार्टी में 3 जज भी मौजूद थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर दीवान, लेकिन यह खून आपके घर आने से पहले हुआ और इस खून की जिम्मेदार है आपकी बीवी सुनीता दीवान। इसी भी साहब, आप जबरदस्ती मेरी निर्दोष पत्नी पर यह इल्जाम लगा रहे हैं। आप इसे जानते हैं? देखिए, ये तस्वीर मुझे इंस्पेक्टर अजय पहले भी दिखा चुके हैं। ये शख्स कौन है मैं इसे नहीं जानता। लेकिन दीवान साहब, आपकी बीवी बहुत अच्छी तरह जानती है। क्या मेरी पत्नी इसे जानती है? सुनीता जी, अगर उस रात आपने सच्चाई मुझे बता दी होती तो शायद आज आपको अपने हस्बैंड की नजरों में शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। माफ कीजिएगा मिस्टर दीवान, अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा, शायद उसे देखकर आपको बहुत बुरा लगे। ये देखिए, वकील साहब, अब मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उस रात जब आप पार्टी में थे तब तुम फिर ही आ गए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझसे मिलने मत आया करो, मगर तुम होगी। सुनीता, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। देखो, मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी की धर्म पत्नी हूँ, भूल जाओ मुझे। नहीं सुनीता, तुमने तो बड़ी आसानी से भुला दिया मुझे, लेकिन मैं तुम्हें कैसे भूलूं? मैं तुम्हें नहीं भुला पाऊंगा सुनीता, नहीं भुला पाऊंगा। तुम्हें भुलाना ही पड़ेगा उमेश, भुलाना ही पड़ेगा। तेरा पागलपन और बढ़ता जा रहा है। अरे मैं तो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर तेरे घर गया था, तेरे माँ बाप ने मेरी बेटी का रिश्ता ये कहकर ठुकरा दिया कि मैं एक घटिया आदमी, उल्टे सीधे धंधे करता। ये तो वकील साहब जो एक फरिश्ता है, उन्होंने मेरी बेटी को अपना लिया और मुझे बहुत सारी कानूनी मुसीबतों से भी बचा लिया। देख, इससे पहले के वकील साहब यहां आ जाएं, उमेश तू चला जा, चला जा। नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आज तो सुनीता को वकील साहब के सामने मेरे प्यार का इकरार करना ही पड़ेगा। हाँ सुनीता, तुम्हें मेरे प्यार का इकरार करना पड़ेगा। सुनीता, सुनीता, ये तुमने क्या कर दिया? अरे पगली, मेरे आने तक का तो इंतजार कर लिया होता। विपिन, विपिन, मैं आपको नहीं। दीवान साहब,
उमेश सूरी की धमकी सुनने के बाद अगर आपकी बीवी के अलावा और कोई शख्स परेशान हुआ था तो वो आपके ससुर। जी हां दीवान साहब, उमेश सूरी की धमकी सुनने के बाद आपके ससुर ने गुस्से में आकर उस पर अंधाधुन अनगिनत वार किए। तुम मेरे प्यार का क्या करा? पापा ये क्या कर रहे हैं पापा? पापा वो मर जाएगा, पापा छोड़ दो उसे, पापा प्लीज। नहीं पापा, पापा छोड़ दो उसे, पापा नहीं, पापा छोड़ो। बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चला है। पापा ये क्या किया आपने? मैंने जो कुछ किया ठीक किया, वरना ये देखो तुम फौरन अपने फार्म हाउस चली जाओ। इसके पीछे मैं इसकी लाश को ठिकाने लगाता हूं। विपिन का फोन आएगा तो मैं उसको बोल दूंगा कि तुम फार्म हाउस में हो, वो भी सुबह तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। जाओ। दीवान साहब, एक रात मैं चुपके से आपके बंगले में गया। आपके बंगले के गोडाउन में मैंने एक मूर्ति देखी जिस पर खून के धब्बों के निशान और कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिले। वो खून के धब्बों के निशान उमेश सूरी के थे और वो फिंगरप्रिंट्स किसी और के नहीं बल्कि आपके ससुर के। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपने इस जुर्म में अपनी बेटे को भी अपने साथ शामिल कर लिया। दीवान साहब के ससुर जी, क्या अब भी आपको कुछ कहना पड़ सकता है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जुर्म मैंने किया है, सिर्फ मैंने, इसमें कोई दूसरा शामिल नहीं है। उस वक्त मेरी बेटी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैं बेटी के प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसी पागलपन में मैंने उमेश सूरी का खून कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी की जिंदगी, उसके भविष्य पर बदनामी का दाग लगे, और ये चाहता था कि ये बात मेरे दामाद तक भी ना पहुंचे ताकि उनकी घरेलू जिंदगी तबाह ना हो जाए। मैं कबूल करता हूं ये जुर्म मैंने ही किया है, मैं मुजरिम हूं, मैंने गुनाह किया है। अब कानून मुझे जो भी सजा दे मुझे मंजूर है। पापा देखिए, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं लेकिन कानून की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। आप दोनों को मेरे साथ चलो प्लीज। आपकी जगह।